11 और एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये जो चाबी आप मेरे हाथ में देख रहे हो भाई, ये ऐसे प्रोडक्ट की है जिसका मतलब क्रेज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा मार्केट से, मतलब इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ। तो ये चाबी बिलोंग करती है हमारे इस प्रोडक्ट को, ये है स्कॉर्पियो क्लासिक और ये इसका S11 वेरियंट है। टॉप एंट्री में इसकी और ब्लैक कलर में लेने के लिए जाते हो ना भाई इस गाड़ी को, तो ये लगा लो अफीम है उसमें अपना ब्लैक कलर के अंदर, तो ये आपको मिलेगी ही नहीं, इतनी लंबी वेटिंग है इसके ऊपर। तो मैं इसलिए बोल रहा था इसके बारे में ऐसा कि इसका क्रेज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अब इसकी एक और दूसरी बहन आ चुकी है जो कि इसके साइड में खड़ी हुई है, ये है स्कॉर्पियो N। ये पूरा का पूरा मतलब एक नया प्रोडक्ट है, मतलब प्लेटफॉर्म नया है, इंजन इसके अंदर एकदम नया देखने को मिलता है, पेट्रोल डीजल ऑटोमेटिक वगैरह सब कुछ मिलता है इसके अंदर, 4x4 भी आता है, इसका तो क्रेज है ही है। बट इसके मौजूद होने के बावजूद भी, मतलब इसके मार्केट में आने के बावजूद भी इस गाड़ी का क्रेज खत्म नहीं हो रहा बिल्कुल। आज भी चाहने वाले नया प्रोडक्ट छोड़कर अब भी इसको लेने के लिए तैयार हैं, मतलब ऊपर एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए तैयार हैं, भाई पैसे ले लो बट ये गाड़ी हमें दे दो, बट गाड़ी मिल ही नहीं रही है। ऐसा क्या है इस गाड़ी के अंदर? तो इसका सीधा सा जवाब ये है भाई, जो इसके अंदर रुतबा है ना, जो उस गाड़ी का रुतबा है, जो उसकी प्रेजेंस है, जो उसका वोकाल है, वो ये गाड़ी कहीं ना कहीं मिस कर जाती है। ये प्रीमियम बहुत है, फीचर्स बहुत आते हैं इसके अंदर, बट इसका जो दबदबा सा फील होता है ना, मतलब इसकी लुक्स कुछ इस तरीके की कि देख के ही लगता है कि हाँ भाई एक माचो कार है, माचो लुक्स के साथ आती है फीलिंग इसके अंदर बैठ के, वो आती है कि हाँ भाई बॉस वाली तो लगता है भाई जब आप इसके अंदर बैठ के चलते हो ना, तो जिसकी प्रेजेंस है, इसका जो ड्राइव प्लेजर है वो अलग है, इससे बिल्कुल अपोजिट है। तो इसका जो ड्राइव प्लेजर है वो अलग है, इसके अंदर चलाने में जो मजा है, इसके अंदर ड्राइव करने में जो उसको मजा है, जो रोड पर मतलब ऐसे आपको मतलब जो मतलब समुद्री लहरों का एहसास कराती चलेगी, तो वो चीज़ अलग है इस गाड़ी का, वो अलग चार्म है भाई। इसको चाहने वाले मतलब एकदम डाई हार्ट फैन है इस गाड़ी के। तो ये आज 2023 के अंदर अगर आज की डेट में आप इसे लेने के लिए जाते हो, तो ये गाड़ी आपको क्या अलग ऑफर करती है, क्या इसकी प्राइसिंग रहती है, और किस तरीके से अपनी पहली वाली जो इसकी मतलब ये क्लासिक हो गया इसका नाम, पहले जो नॉर्मल S11 आया करती थी उससे अब इसमें आपको क्या हटके और क्या नया देखने के लिए मिलता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात प्राइसिंग इसकी, तो इसमें दो ही मॉडल आते हैं, एक आता है क्लासिक S और एक आता है भाई क्लासिक S11। और इसके अंदर इसकी प्राइसिंग की बात अगर करते हैं तो 16,14,000 रुपये ये आपको एक शोरूम पड़ती है, और मोटा मोटा बात करें तो ये 19.5 लाख आपको ऑन रोड पड़ेगी अब 2023 के अंदर। और अगर आप प्लान कर रहे हो महिंद्रा का कोई भी प्रोडक्ट, तो आपके स्क्रीन पे मैंने नंबर दिया हो प्राइम ऑटोमोबाइल्स फरीदाबाद का, आप डेफिनेटली कॉल कर सकते हो अच्छे से अच्छे ऑफर्स, अच्छी से अच्छी डील्स के लिए। इसी गाड़ी से रिलेटेड नहीं, महिंद्रा से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे कि ये है आगे स्कॉर्पियो N गाड़ी हुई है, कोई भी A to Z प्रोडक्ट है आप डेफिनेटली कॉल कर सकते हो। और अब इसके बारे में बातचीत करते हैं गाड़ी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है इसकी कीज़, प्राइमरी की जो है, इस पे कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं डोर्स को लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए, और ये बजर वाली बटन यहाँ पे मिल जाती है कुछ इस तरीके से। और जो सेकेंडरी की है ये आपको नॉर्मल से मिलती है, इस पे कोई कंट्रोल्स नहीं है, बट आपको एक फ्लिप की देखने के लिए मिलेगी। और अभी फ्रंट से यहाँ पे स्टार्ट करें तो भाई धूप देखो क्या नेक्स्ट लेवल, एकदम बहुत गजब की धूप निकल रही है, और मतलब ऐसा जीप भी सूख रही है भाई बोलने में। तो बस एक लाइक करके जाना वीडियो को, और अच्छी लगे तो आगे भी शेयर भी जरूर कर देना। तो अभी स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो यहाँ पे इसको ये DRLs आती हैं जो कि मतलब इसको एकदम ऐसा एग्रेसिव स्टांस देती हैं, बहुत एलिगेंट लगते हैं इसके हेडलैम्प्स, मुझे पर्सनली बहुत एकदम ऐसा लगता है भाई गाड़ी घूर रही है आपको। यहाँ पे डुअल बैरल्स आपको देखने के लिए मिलती हैं, मतलब एक साइड अपना प्रोजेक्टर है, दूसरी साइड अपना हेलोजन बेस अपना सेटअप है, ये लो बीम है और ये इसकी हाई बीम है, इंडिकेटर है, यहाँ पे भी अपनी DRLs आती हैं जो कि LED बेस आपको मिलती हैं, हेलोजन बेस, यहाँ पे फॉग लैंप्स आपको देखने के लिए मिलती हैं, और डेफिनेटली जो छोटी मोटी ट्विकिंग की गई हैं अपना एक्सटीरियर को लेके, जैसे अलॉयज को थोड़ा और थोड़ा सा ऐसा अलग फिनिशिंग दी गई है, तो अलग सा स्टांस आता तो है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैच करती है उससे, कुछ कुछ अलग जरूर लगता है, एकदम फ्रेश सा लुक फील होता है इस गाड़ी का। सामने की बात करें तो ये जो आप देख रहे हो ये चीज़ अब जस्ट एक मतलब ये लगा लो, इसकी जो लुक है इसको बरकरार रखने के लिए चीज़ यहाँ पे दी हुई है, बाकी अब ये फंक्शनल नहीं है, इसका कोई काम यहाँ पे नहीं है, ये बंद है, तो ये जस्ट अपना एक शो के लिए कि हाँ भाई गाड़ी की लुक निकल के आती है इससे, तो वो चीज़ यहाँ पे बरकरार रखी गई है। ये आप लाइन्स देख सकते हो बोनेट के ऊपर क्या गजब की लगती हैं। सामने से ये स्ट्रिप्स वगैरह हैं ये क्रोम की मिलती हैं टॉप मॉडल में, ये अपना नया लोगो मिलता है, यहाँ पे नंबर प्लेट की प्लेसमेंट है, और नीचे पूरी स्किड प्लेट वगैरह आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलती है। इधर से दिखाता हूँ क्योंकि स्पेस इधर ही क्रिएट करी है हमने। ये इसकी डायमेंशन वगैरह देख लेना कितनी लंबी ऊंची चौड़ी है ये। तो फ्रेम चेंज है गाइस, तो अभी एक मिनट के लिए मैं फ़ोन पे गया और फ़ोन पे बात करके आया तो गाड़ी अपना धुलने के लिए आ चुकी थी यहाँ पे, क्योंकि इसकी डिलीवरी होने वाली है। तो फटाफट से सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं। साइड में क्लैडिंग वगैरह इसको आती हैं जो कि बॉडी कलर्ड हैं, और जो इंडिकेटर है टॉप मॉडल में भी फेंडर पे आपको देखने के लिए मिलता है, ORVM आपको एकदम क्लीन मिलेगा, ये बॉडी कलर्ड आता है और नीचे से अपना मैट ब्लैक है। साइड में टायर सेक्शन की बात करें तो थोड़ा सा और ज़्यादा सूट करते हैं ये अलॉयज अब इस गाड़ी के साथ, क्योंकि अब ये डुअल टोन में आ चुके हैं। और इनकी बात करें
तो इसके टायर सेक्शन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे ब्रिजस्टोन के यहाँ पे टायर्स आपको ऑफर होते हैं। टायर सेक्शन की बात करें तो 235 65 R17 17 इंच कुछ ऐसे मिलते हैं यहाँ पे, अलॉय व्हील्स, आगे डिस्क और पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर होती हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 209 mm की मिलती है और ये है वो बॉडी लैंग्वेज जो पीछे से बॉक्सी सी है और आगे से थोड़ी थी माचो फील होती है। बस यही इसका चार्म है, जो मतलब इसके जो हार्डकोर मतलब फैन है ना उनको कभी निराश नहीं करती इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसलिए गाड़ी अभी तक बिक रही है। साइड यहाँ पे जो क्लेडिंग आप देख रहे हो, यहाँ पे स्कॉर्पियो आपको लिखा हुआ मिलेगा कुछ इस तरीके से। बॉडी कलर अपने डोर हैंडल्स हैं, प्लेन विंडोज हैं और ये पिलर जो आप देख रहे हो ये मैट ब्लैक मिलते हैं और ये अपना आई थिंक एक्सेसरीज का पार्ट है। रेन वाइजर्स नहीं आते हैं, ये एक्सेसरीज का पार्ट है। रूफ रिल्स आती हैं, एक नॉर्मल सा एंटीना जो कि आपको सामने की साइड देखने के लिए मिल जाएगा। दो कैप्स आते हैं इसके अंदर, यहाँ से इसके अंदर DEF डलेगा राइट साइड से और जो लेफ्ट साइड है वहाँ से इसके अंदर डलेगा डीजल। और ये है इसकी पीछे की प्रोफाइल कुछ इस तरीके की, एकदम स्ट्रेट और बहुत शानदार। मतलब इस गाड़ी की लुक्स हैं जो चीज़ है ना, बस इसकी लुक्स हैं जो मतलब ओनर्स आज भी नया प्रोडक्ट आने के बावजूद भी इसको लेने के लिए तैयार हैं, बस इसकी लुक्स की वजह से कि इसका भाई दबदबा है। इस मतलब इस टाइप की बॉडी लैंग्वेज वाली जो गाड़ियाँ हैं उनके बीच में दबदबा है इसका। जिस प्राइस पॉइंट पे आती है बहुत ही नेक्स्ट लेवल। एक सफारी आती थी वो तो आपको पता है भाई, उसका तो ऐसा सिस्टम ही खत्म हो गया। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे स्पॉइलर है, इसी के अंदर वॉशर है और यहाँ पे अपना अंदर की साइड स्टॉप लैंप है, डिफॉगर है, वाइपर है और यहाँ पे डोर हैंडल है। ग्लॉसी ब्लैक अपनी पीछे वाला पोर्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे महिंद्रा का लोगो है, रिवर्स कैमरा नहीं आता है यहाँ पे। और इधर की साइड आपको स्कॉर्पियो क्लासिक S11 की बैजिंग मिलती है, माइक्रो हाइब्रिड यहाँ पे मेंशन है। पीछे दो पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं जो कि अलग से आपको पॉइंट आउट हो रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स वगैरह हैं, टोइंग हुक है और पीछे से कुछ ऐसी दिखती है प्रोफाइल शानदार। ये कुछ ऐसे मिलते हैं, LED प्लस हेलोजन का सेटअप यहाँ पे मिलता है। लाइट के अंदर भी स्कॉर्पियो को मेंशन किया गया है और इस वाले कैप से डलेगा इसके अंदर डीजल। और ये हैं सारी चीज़ें और अभी फटाफट अंदर चलते हैं, अंदर की चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं कि अंदर से क्या क्या चीज़ें इसमें मिलती है। और हाँ, यहाँ से दिखाई देता हूँ क्योंकि फिर नहीं खोलना पड़ेगा। तो ये देख लो, ये फ्रंट फेसिंग सीट्स यहाँ पे आपको देखने की मिलती है, मतलब बीच वाली जो रो है यहाँ पे आपको कैप्टन सीट्स मिलेंगी। और ये भी कुछ इसी तरीके मिलती हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एडजस्टेड हेडरेस्ट यहाँ पे मिलता है। स्पेस वगैरह आप देख सकते हो कुछ इतनी मिलती है यहाँ पे और ये अलग से लिवर दिए हुए हैं, इनसे भी आप अपने लिए खोल सकते हो कुछ इस तरीके से। देखो ये खुल गया यहाँ पे और ऐसा ही जब इसे खींचोगे तो ये यहाँ से खुल जाएगा। ये देखो ये खुल गया, तो यहाँ से डलेगा इसके अंदर DEF राइट साइड से और लेफ्ट साइड डलेगा अपना डीजल। और अभी चलते हैं अंदर और अंदर की चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं। तो अंदर जाओगे आप तो उससे पहले आपको डोर पैनल दिखा देता हूँ। तो ये एकदम बेस थीम्स पे देखने के लिए मिलती है आपको, ये स्ट्रिप जो है एकदम ग्लॉसी ब्लैक मिलती है। यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक है, चारों पार विंडोज हैं, डाइवर साइड विंडो जो है वन टच अप डाउन भी मिलती है, विंडोज के लॉक हैं, स्पीकर है, मैगजीन होल्डर वगैरह है, बोतल होल्डर स्पेस यहाँ पे नहीं मिलती आपको। 6-way मैनुअल एडजस्टेड सीट है, ये फैब्रिक सीट्स आपको मिलती हैं। और इधर साइड अपना डिफॉगर के कंट्रोल है, यहाँ से अपना फ्यूल लिड आप खोल सकते हो, लाइट लेवलिंग डायल है, ORM के इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। और अभी चलते हैं अंदर और उससे पहले नीचे देख लो, 1 2 3 पैडल्स हैं, एक्सेलरेशन ब्रेक क्लच और डेड पैडल के लिए यहाँ पे अलग से प्लेसमेंट दी हुई है भाई। यहाँ से डलेगी चाबी और उसके चारों तरफ भी आपको लाइट देखने के लिए मिलती है। चाबी निकाल लेते हैं और अभी बात करते हैं गाड़ी के अंदर बैठ के कि अंदर से कैसे फील होती है भाई। वाह, एक चीज जो बढ़िया फील हुई है वो ये है कि सीट्स काफी कंफर्टेबल है, मतलब काफी कुशनी सी सीट्स है, मजा आ गया बैठ के। और ये जो बोनट व्यू है ना भाई, ये वाला ये देखो, ये वाला अभी तो सीट मैंने एडजस्ट ही नहीं करी है, ना ऊपर करी है ना नीचे करी है, पीछे की साइड जरूर करी है, फिर भी अपना बोनट व्यू है जो क्लियर है। और बस इसी चीज के पैसे हैं इस गाड़ी के अंदर कि भाई इसका जो चार्म है ना वो अनमैचेबल है। और ये इसकी चाबी है, ऑन करके दिखा देते हैं अभी आपको। सो यहाँ से डलेगी इसके अंदर चाबी, जिसे आप ऐसे डालोगे और इसे एक बार घुमा दोगे, मतलब दो बार ही घुमा दी मैंने, ये दिखा देता हूँ। फर्स्ट टाइम अपना स्टेयरिंग जो अनलॉक हो जाता है, सेकंड टाइम पे आप इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह ये सारी चीजें ऑन हो जाती हैं। ये देखो ब्लोवर भी इसके ऑन हो चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत तूफानी स्पीड आई है भाई, ये देखो कुछ इस तरीके से। और ये ऑन हो चुकी हैं सारी चीज़ें, ब्लोवर्स वगैरह अपने ऑन हो चुके हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि एंड्रॉइड बेस्ड यहाँ पे देखने के लिए मिलता है ये ऑन हो चुका है। यहाँ पे सामने क्लस्टर के अंदर भी लाइट आ चुकी है। 7000 तक के RPM है, 180 की टॉप स्पीड मार्किंग यहाँ पे दी हुई है। बीच में छोटी सी MID जहाँ पे फ्यूल टेम्परेचर आपको डिजिटल मिलेगा, ट्रिप ए ट्रिप बी ऑडो किलोमीटर वगैरह सब आपको यहाँ पे डिजिटल देखने के लिए मिल जाएंगे। और ब्लू कलर की लाइट आती है इसके अंदर। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे वाइपर्स आपको देखने को मिलते हैं, मतलब वाइपर्स के कंट्रोल देखने के लिए मिलते हैं। इधर की साइड अपने हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। और स्टेयरिंग की बात करें तो भाई मजेदार एकदम,
जब ये पता हो ना कि स्कॉर्पियो आप चला रहे हो तो थोड़ा फील और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। बाकी इनहैंड फील काफ़ी अच्छी है स्टेयरिंग की, बहुत प्यारा। और इनहैंड फील मतलब कुछ इस तरीके की आपको लगेगा कि हाँ भाई आपको एक रगेड ऐसी एसयूवी चला रहे हो जिसका मतलब चलाने का ही मजा सबसे ज़्यादा है, तो वो फील होता है स्टेयरिंग से। लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील है, यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम के क्रूज कंट्रोल यहाँ पे आ जाता है जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत शानदार फीचर है और जो इसके अंदर आपको मिल जाता है। ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट है, महिंद्रा का नया लोगो है। एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको टिल्ट और टिल्ट का ही ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। डैशबोर्ड दिखाता हूँ एक सेकंड में। ऊपर की साइड यहाँ देखोगे तो वैनिटी मिरर है और इधर की साइड सनग्लास होल्डर की प्लेसमेंट है। एक मैनुअल डिमिंग IRVM यहाँ पे मिल जाता है और इधर की साइड को टिकट होल्डर वगैरह नहीं है। डैशबोर्ड देखो भाई, बेज एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, वैसे तो छोटा सा डैशबोर्ड मिलता है, इसके ऊपर थोड़ी बहुत स्पेस आपको मिलती है कुछ रखना अगर आपको हो तो, बाकी अदरवाइज एकदम फ्लैट सा डैशबोर्ड यहाँ पे देखने के लिए मिलता है आपको। बाकी ट्रिम्स जो हैं वो शानदार हैं, जैसे कि एसी वेंट्स के चारों तरफ क्रोम का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे जो स्कॉर्पियो है इसके ऊपर भी क्रोम का इस्तेमाल किया हुआ है। SRS एयरबैग की बैजिंग यहाँ पे देखने को मिलती है, दो एयरबैग भी आते हैं गाड़ी के अंदर। यहाँ पे स्पेस मिल जाती है आपको अपना पेपर वर्क रखने के लिए और ये अपना कुछ इस तरीके मिलता है। टस्क इंफोटेनमेंट सिस्टम 9 inches का और यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है। इसके कंट्रोल्स हैं, हेजार लाइट की बटन है और आइडल स्टार्ट वाली बटन यहाँ पे मिल जाती है। डोर का चार्जिंग सॉकेट है, थोड़ी स्पेस वगैरह मिल जाती है। 6-speed का मैनुअल गियर लीवर कुछ इस तरीके का आता है जो कि चेंज किया गया है, पहले ऐसा नहीं आता था और अब इसकी शिफ्टिंग भी थोड़ी ज्यादा मजेदार कर दी है। मतलब नॉर्मली ऐसे हो जाता, वैसे हिलने वाला सिस्टम नहीं रहा इसके अंदर। यहाँ पे स्पेस मिल जाती है, थोड़ी रबराइज कोई सामान वगैरह रखते हो, फोन वगैरह रखते हो तो ऐसा स्लिप नहीं करेगा। 2 cup holders है, हैंड ब्रेक है सिल्वर टिप के साथ, आर्मरेस्ट ऐसा नहीं है पूरा डेडिकेटेड बट अलग अलग दिए हुए हैं दोनों ही सीट्स पे, मतलब पूरा फील आनी चाहिए भाई। तो कुल मिला के इस गाड़ी को लेने का बस एक रीजन सबसे बड़ा यही है, फील। तो फील के बेस पे ये पूरा खेल इस गाड़ी का। तो ये है सारी चीजें, कुछ रह जाए तो प्लीज पूछ लेना कॉमेंट्स में। और अभी पीछे चलते हैं, पीछे की स्पेस वगैरह भी आपको दिखा देता हूँ कि पीछे से कैसी फील होती है ये, और फिर लास्ट में इंजन कंपार्टमेंट की बात करेंगे। और अभी चलते हैं पीछे, और एक चीज़ और बता देता हूँ, ये फुटरेस्ट इसी के साथ आता है, ये कोई एक्सेसरीज का पार्ट नहीं है, ये मैंने आपको नहीं बताया। और अभी चलते हैं पीछे, पीछे की चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं। तो ये भी सेम देखने के लिए मिलता है यहाँ पे अपना पीछे वाला डोर पैनल, ग्लॉसी ट्रिम है, फैब्रिक है, पावर विंडो कंट्रोल है, ग्रैब हैंडल है, ब्लैक लेदर डोर लीवर है, थोड़ी स्पेस वगैरह यहाँ पे मिल जाती है, बोतल होल्डर भी यहाँ पे मिल जाता है जो कि आगे वाले डोर पैनल में नहीं है। और यहाँ पे कैप्टन सीट्स मिलती हैं आपको, तो ये थोड़ी और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पे अपना पर्सनल आर्मरेस्ट भी आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके से, देखो बढ़िया। और इसे मैं लगा लेता हूँ तो पीछे भी भाई पूरा मजा आता है। हाँ भाई, लगता है कि बिल्कुल विंडो एरिया जो है शोल्डर से नीचे रहता है, यहाँ पे अपना पर्सनल आर्मरेस्ट है, स्पेस वगैरह मिल जाती है और बहुत शानदार। इसे मैं एडजस्ट भी कर सकता हूँ यहाँ से पीछे से अपना रिक्लाइन एंगल वगैरह, तो ये पीछे हो जाती है। तो कुल मिला के पूरी बढ़िया फील आती है, एक तो ये है कि स्कॉर्पियो है, दूसरा थोड़ी ऊंची गाड़ी है, और तीसरा फिर भाई इसका नाम, और फिर अंदर से जब बैठ के ऐसा लगे कि हाँ भाई कहीं तो आप बैठे हो, तो वो वाला फैक्टर इसके अंदर है। कुल मिला के बढ़िया लगी, कैप्टन सीट्स वाली तो मुझे पर्सनली बहुत प्यारी लगी। और पीछे की चीज़ों के बारे में बातचीत कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी स्पेस वगैरह दी हुई है आपको, रेयर एसी वेंट्स हैं, ये कप होल्डर्स थोड़े यूनिक पोजीशन में यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे पॉकेट आपको मिल जाती है, पीछे को 12 का चार्जिंग सॉकेट नहीं है, मिनिमम हम पे, बाकी यहाँ कैप्टन सीट है तो तीसरा बंदा बैठेगा ही नहीं, वो बैठेगा पीछे। और पीछे वाली सीट पे भी यहाँ पे अपना आर्मरेस्ट दिया हुआ कुछ इस तरीके से, तो थोड़ी बहुत स्पेस रहती है यहाँ पे, बच्चे बच्चे बैठ पाएंगे आराम से। बाकी यहाँ पे रीडिंग लाइट आपको मिल जाती है येलो कलर की पीछे वाले बंदों के लिए भी, और सीट बेल्ट्स भी दी हुई हैं यहाँ पे। और पीछे से कुछ ऐसा दिखता है डैशबोर्ड का व्यू, बहुत प्यारा। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 ग्रैब हैंडल है, और हर ग्रैब हैंडल के अंदर अपना ऐसे हुक सा दिया हुआ है डेडिकेटेड। यहाँ बीच में एक रीडिंग लाइट और मिल जाती है आगे वाली रो के लिए और बीच वाली रो के लिए, और बीच वाली रो पे तो मतलब आगे पीछे दोनों तरफ से लाइट आ जाएगी, आप देख सकते हो यहाँ पे भी लाइट है, यहाँ पे भी लाइट है, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। बाकी ये हैं सारी चीज़ें, कुछ रह जाए तो प्लीज़ पूछ लेना कमेंट्स में। बाकी ये गाड़ी आपको लगती कैसी है वो जरूर बताना। और अभी इसका इंजन दिखाता हूँ आपको फटाफट से कि इंजन में क्या मिलता है और कितने ज़्यादा शानदार इंजन है इसका। स्पेस नहीं दिखाई ना मैंने आपको, ये देख लो 5'9" मेरी हाइट है, और ये सीट में मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करके आऊँ, बड़े आराम से बैठा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हेड रूम में भी कोई इशू नहीं है, अब भी बहुत पसीना पसीना हो पड़ा हूँ, इस चक्कर में चेहरा नहीं दिखा सकता भाई। बाकी अभी चलते हैं इंजन की तरफ फटाफट से। सो अब इसके इंजन कंपार्टमेंट की बात करते हैं, तो इसके अंदर एक बहुत शानदार चीज़ लगी भाई, जो मतलब अभी स्कॉर्पियो एन के अंदर भी नहीं है, और इससे एक सेगमेंट के, इससे और ऊपर के सेगमेंट की गाड़ी लगा हुआ है फॉर्च्यूनर की बात करते हैं, उसके अंदर भी नहीं है, वो है इसके ये हाइड्रोलिक स्टड्स जो कि इसके बेस मॉडल से आपको देखने के लिए। ऐसा नहीं है कि इस क्लासिक के अंदर किए हैं, पहले से ही आते हैं भाई इसके अंदर, जो कि एक SUV के अंदर होना चाहिए, और बहुत कंफर्टेबल मूव है भाई। मतलब इतना बड़ा बोनट है भाई फॉर्च्यूनर को उठा के देखना, उठेगा नहीं आपसे लिटरली, इतना वेट है उसके अंदर। बाकी ये इसमें शानदार चीज़ दी हुई है, हाइड्रोलिक स्टड दोनों ही साइड दिए हुए हैं, इंसुलेशन पैडिंग भी दी हुई है। वो बता रहा था ना आपको कि ये जस्ट अब एक डिजाइन एलिमेंट है, फंक्शनल नहीं है, क्योंकि अब ये इंजन यहाँ पे चेंज हो चुका है, तो 1184 cc का 4 cylinder diesel इंजन, बट इसकी पावर जो है वो अब थोड़ी चेंज कर दी है, पहले 140 bhp निकालता
चलता था ये, अब 130 bhp निकालता है, मतलब कि 130 bhp 300 nm का टॉर्क जो है डेवलप करता है, 60 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है, और ज़्यादा भी नहीं तो भाई 13-14 के बीच की माइलेज कंपनी क्लेम कर देगी और निकाल भी देगी मुझे ऐसा लगता है। बाकी अपने ड्राइविंग पैटर्न के ऊपर है, बाकी ये मतलब ऐसी गाड़ी है कि इसको थोड़ा शूशा करके ज़्यादा पसंद करते हैं लोग चलाना, बाकी हर तरीके के बंदे होते हैं जिनको आराम से चलाने का भी अलग ही मज़ा आता है, तो वो टोटली अपने चलाने के ऊपर डिपेंड करती हैं चीज़ें। और हम इसे बंद कर लेते हैं, और इसके लिए मतलब ऐसा वीडियो बंद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल जैसे खुला है वैसे ही बंद भी हो जाएगा। तो ये थी आपके सामने स्कॉर्पियो क्लासिक S11 2023 में अगर आप लेने के लिए जाए तो 19.5 लाख की आपको ऑन रोड पड़ेगी, मे भी थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है जहाँ से आप देख रहे हो, एरिया पे डिपेंड करती हैं चीज़ें, स्टेट टू स्टेट भी क्वेरी कर सकती हैं। बाकी इस गाड़ी से आपको कितना प्यारा है, गाड़ी आपको लगती कैसी, अगर आपको 20 लाख रुपये दिए जाएँ तो आपकी चॉइस कौन सी होगी, अगर भाई थोड़ा ऐसा हो ना कि थोड़ा पैसा ठीक ठाक हो तो ये चॉइस हो सकती है। बहुत मज़ेदार प्रोडक्ट है, मतलब नाम है इसका, किसी को कुछ ना पता हो ना उसको बस ये बोल देना भाई मेरे पास स्कॉर्पियो है, उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि स्कॉर्पियो क्या चीज़ है, तो ऐसा नाम है इस गाड़ी का। बाकी आपकी क्या राय प्लीज़ जरूर शेयर करना, और कुछ चीज़ रह गई तो उनके लिए सॉरी, और हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।